देखिए, जहाँ तक इस कार्यक्रम के उद्देश्य की बात है, तो ये हरियाणा सरकार की हमारे विश्वविद्यालय के माध्यम से एक विशेष योजना है जो केवल अनुसूचित जाति जनजाति के प्रतिभागियों को समर्पित है। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो महिलाएं या जो किसान भूमिहीन है, जिनके पास खेती के लायक जमीन नहीं है, रोजगार के साधन नहीं है, तो उनको इस परियोजना के तहत प्रशिक्षित किया जाता है। महिलाओं को, प्रतिभागियों को 5 दिन का ये प्रशिक्षण होता है, अलग अलग विषयों पे। जैसे हमारा जो इस समय प्रशिक्षण चल रहा है, फल सब्जियों से बनने वाले उत्पाद, फल सब्जी प्रसंस्करण एवं अचार बनाना, इसके तहत प्रतिभागियों को स्किल डेवलपमेंट ऑफ SC/ST पार्टिसिपेंट फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ लिवलीहुड, यानी के अनुसूचित जाति जनजाति के प्रतिभागियों का कौशल विकास द्वारा जीवन स्तर में सुधार, रोजगार के साधन उनके लिए जुटाकर उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए ये हमारा प्रयास रहता है इन प्रशिक्षणों के माध्यम से, जिसमें 5 दिन जो मौसम में इस समय उपलब्ध फल और सब्जियां हैं, उन सब्जियों के विभिन्न उत्पाद जैसे टमाटर का केचप, टमाटर की चटनी, टमाटर की प्यूरी, टमाटर की पेस्ट, फलों का, मिले जुले फलों का जैम, सेब का जैम, आंवले का मुरब्बा, आंवले की कैंडी, मिर्च का अचार, गोभी, गाजर, शलगम यानी सब्जियों का मिला जुला अचार, टोफी बनाना आदि आदि, जो भी फल सब्जियों से बनने वाले उत्कृष्ट विभिन्न उत्पाद हैं, वो प्रतिभागियों द्वारा खुद बनवाकर सिखाए जाते हैं। यानी कि हम तो प्रतिभागियों के साथ खड़े होके उनका मार्गदर्शन करते हैं, फैसिलिटेटर का रोल अदा करते हैं, बनवाते हैं उनसे ही हैं, जो जो क्रिया है स्टेप वाइज वो सारा कुछ प्रतिभागियों से बनवाते हैं। और ऐसे प्रशिक्षणों का जो मुख्य उद्देश्य है वो लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि खुद अपने हाथों से करके और उन चीजों को बनाना सीखना। यहाँ पे दो ट्रेनिंग चली हुई है, प्रशिक्षण चले हुए हैं। एक डेयरी फार्मिंग के ऊपर है और दूसरा अचार मुरब्बा या वैल्यू एडिशन कह सकते हैं हम, फलों के वैल्यू एडिशन के ऊपर है। और इसमें दोनों अलग अलग ट्रेनिंग में 30-30 प्रतिभागी हैं। ये प्रतिभागी SC जाति से संबंध रखते हैं सारे। और हमने इसमें पलवल और नूंह दोनों जिले कवर किए हुए हैं। और हमारा उद्देश्य ये है कि इस ट्रेनिंग का, कि ये जो प्रतिभागी यहाँ से 5 दिन के जो ट्रेनिंग शिविर लगाया हुआ है, इसमें जो भी कुछ सीख के जाएं, अपने पैरों पे खड़े हों, अपना व्यवसाय चलाएं। और ये बेरोजगार हैं सभी, और इनमें से कई ग्रेजुएट भी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं, और कोई मैट्रिक करके घर बैठे हुए हैं। तो जैसे हरियाणा सरकार और भारत सरकार के ये स्कीम है SC के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग करवाना, ये उसके तहत किया गया है। होम साइंस विशेषज्ञ हूँ और हमारे यहाँ पर 5 दिन का प्रशिक्षण चल रहा है, जो कि अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए हमने ऑर्गेनाइज किया है। इसमें हम जो ट्रेनिंग करवा रहे हैं महिलाओं को, फल व सब्जी परिरक्षण के बारे में करवा रहे हैं। और इसमें हम डिफरेंट टाइप के अचार वगैरह, मुरब्बा है, जैम है, जेली है, ये सब इनको बताते हैं, ताकि ये जो महिलाएं हैं यहाँ पर हमारे यहाँ आकर ट्रेनिंग लें। इनसे हम खुद करवाते हैं काम, सिर्फ हमारे देखरेख में ये लोग अपना काम करते हैं, ताकि ये यहाँ पर अच्छे से सीख सकें और सीखने के बाद अपना खुद का व्यवसाय कर सकें। सरकार की तरफ से इनको, हमारी जो स्कीम है महिलाओं को, हम थोड़ा सामान भी देते हैं। की गई है और इसमें क्या क्या सिखाया जा रहा है? ये आज मंडकोला KV के कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में जो ट्रेनिंग चल रही है, 5 दिवसीय प्रशिक्षण चल रहा है।
इसमें फल और सब्जी के प्रिडक्शन और खाद्य संस्करण, जो फूड प्रोसेसिंग होती है, खाद्य संस्करण यानी कि जो लंबे समय तक खाद्य पदार्थ चलते हैं, क्या होता है कि जब सीजन आता है तो बहुत सारे टमाटर आ जाते हैं, बहुत सारे फ्रूट आ जाते हैं, वो जो खराब हो जाते हैं, उनकी शेल्फ लाइफ कम होती है। तो हम क्या करते हैं, इनको प्रिरक्षित खाद्य पदार्थ बनाने सिखाते हैं। जैसे बहुत सारे नींबू आ गए अभी, तो नींबू का स्क्वैश बना के वो पूरा सालों साल चलता रहेगा। नींबू का अचार बना दिया, आम का अचार, आंवले का अचार, इस सीजन में आंवला बहुत आता है, टमाटर बहुत आता है, उस टाइम पे हम केचप आज बनाने इनको सिखा रहे हैं। तो ये 5 दिवसीय जो प्रोग्राम है, ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसमें यही है कि इनको फल और सब्जी से परिरक्षित खाद्य पदार्थ बनाने सिखाए जा रहे हैं यहाँ पर, जो कि आप देख सकते हैं कि वो खुद बनाने उनको सिखाए जा रहे हैं। यहाँ लैब में सारी फैसिलिटीज़ हैं, प्रयोगशाला में वो खुद यहाँ बना के हमारे देख रेख में खुद बनाएंगी, हम उनको रेसिपी दिखाएंगे। तो महिलाएं क्या करती हैं, इंडिपेंडेंट फील करेंगी। गाँव से आई हुई हूँ और यहाँ पर मंडकोला में कृषि विज्ञान केंद्र में अचार के और इसमें सिखाया जा रहा है लेडीज़ों को, जिससे कि वो अपना व्यवसाय कर सके अच्छी तरह से। जो हमारा घर में जो सामान है उसका हम कैसे अचार मुरब्बा तैयार कर सकते हैं, वो हमें यहाँ पर सिखाया जा रहा है और हम अच्छे से सीख रहे हैं, जिससे हम आगे के लिए अपना इसे व्यवसाय के रूप में दे सकें और काम अपना घर में भी अच्छी तरह से काम कर सकें।